नमस्कार। भारत और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने से पहले हर किसी के दिमाग में था कि सीरीज बड़ी रोमांचक होगी, जोरदार टक्कर होगी, इंग्लैंड की टीम दम दिखाएगी। लेकिन पहले टेस्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों टेस्ट मैच में तो इंग्लैंड भारत के सामने बौनी ही साबित हुई। खैर, इस सीरीज का सबसे अहम टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि पिंक गेंद तेज गेंदबाजों की मददगार होती है। लेकिन तेज गेंदबाजों की इस मददगार गेंद से स्पिनर कहर ढहा देंगे, ये अंदाजा तो किसी को नहीं रहा होगा। लेकिन जिस तरह से ये मैच खत्म हुआ, उसके बाद इस मैदान की पिच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जाने लगा कि ये टेस्ट मैच भारत का अब तक का सबसे छोटा मैच था। मतलब अगर शायराना अंदाज में बोले तो सबसे बड़े मैदान पर सबसे छोटा मैच। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे छोटे मैचों की गलियों में लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात इसी मैच की करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दो दिन में खत्म हुए इस मैच को भारत ने 10 विकेट के अंतर से जीता। इस टेस्ट मैच में कुल 842 गेंदें फेंकी गई, कुल 140.2 ओवर का खेल खेला गया। दूसरा सबसे छोटा मैच, इसके बाद भारत में दूसरे सबसे छोटे टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। यह मैच भी दो दिन में ही खत्म हो गया था। इस मैच में कुल 161.2 ओवर की गेंदबाजी हुई, मतलब कुल 968 गेंदें फेंकी गई। तीसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत में तीसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। 14 जून 2018 के दिन यह मैच खेला गया था और यह टेस्ट मैच भारत में ही खेला गया था। यह तीसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच था। इसका नतीजा तीन दिन में निकला था। यह तो भारत में खेले गए सबसे छोटे टेस्ट मैचों की कहानी थी। अब हम आपको क्रिकेट इतिहास के सबसे छोटे टेस्ट मैच की कहानी बताएंगे। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच अंदाजा लगाइए। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया होगा? चलिए दिमाग पर जोर मत लगाइए, हम ही आपको बता देते हैं। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जो साल 2009 में खेला गया था। इस टेस्ट मैच में सिर्फ 10 बॉल फेंकी गई थी। जाहिर है ये मैच ड्रॉ ही रहना था। इसके बाद क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच भी इन्हीं दोनों टीम के बीच 1998 में खेला गया। तब इस मैच में 61 बॉल फेंकी गई। पहले मैच की तरह इस मैच का परिणाम भी कुछ नहीं रहा और मैच ड्रॉ हुआ। इसके बाद अगर क्रिकेट इतिहास के तीसरे सबसे छोटे टेस्ट मैच की बात करें तो तीसरा मैच श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में 72 बॉल फेंकी गई। ये मैच भी ड्रॉ रहा। इस मैच में केवल 49 मिनट का खेल ही हो पाया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।